स्टूडेंट देखिए, हम इन बेशुमार डॉक्स में से एक डॉक पे यहाँ आए, जहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्रेन का हाल। जो क्रेन इस मरकज मतलब मरकजी हैसियत हासिल है इस पूरे प्रोसेस में, ये किस तरह यहाँ खड़ी है, लगता है कई सालों से ये इस्तेमाल नहीं हुई है। और ये उन बेशुमार डॉक्स में से एक डॉक है जहाँ पर काम नहीं हो रहा है, काफ़ी अर्से से नहीं हो रहा। इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो रहा है, देखिए पूरा प्लांट ऐसे खाली है जैसे बहुत अर्से से इधर कोई काम नहीं हुआ है। ये इस इंडस्ट्री के बुरान की अक्कासी करता है। ऐसे बहुत सारे डॉक्स ऐसे हैं, जब हम वापसी में आपको चलते हुए दिखाएंगे, कि सिर्फ चंद डॉक ऐसे हैं जिन पे काम जारी है, बाकी सब के सब डॉक तकरीबन खाली हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिए वही बात जो हमने क्रेन के हवाले से की थी, ये वो मशीनें हैं जो जहाज़ को खींच कर साहिल पर लाती हैं। और इनका हाल देखें आप, किस तरह अरसे दराज से रखी हुई हैं। और ये सामने मस्जिद देखें, मतलब इतना बड़ा प्लॉट है कि इतने मजदूर यहाँ पर काम करते थे कि इनको अलग से मस्जिद की ज़रूरत पड़ती थी उस ज़माने में, ताकि ये लोग दूर ना जा सकें और यहीं नमाज अदा करें। लेकिन अब ये वीरान प्लॉट आपको इस खामोशी को जाहिर करता है, जो इस बुरहान की अलामत है। और इस खामोशी यहाँ कब तक जारी रहती है कोई इस बारे में नहीं जानता। और इस तसलसल को, खामोशी के तसलसल को कैसे तोड़ा जाए, ये अल्लाह ही जानता है कब टूटेगा और कब जो है ये इंडस्ट्री दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक रेस्टोरेंट था जो यहाँ के लोगों ने बताया कि ये हर वक्त यहाँ पे एक मजमा लगा हुआ करता था। आज आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल वीरानी छाई हुई है, यहाँ पे कोई नहीं है। और इस तमाम बातों की वजूहात क्या हैं, यही हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे जैसे जैसे हम अपनी कवरेज जारी करेंगे, कि पता चल सके कि हम यहाँ की इस इंडस्ट्री को क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इस इंडस्ट्री ने, और क्या वजूहात देंगे इतनी पस्ती की तरफ ये जा रही है। अब आप मैं क्लोज ऑफ शॉट्स वगैरह देख लें, अभी कैसी जगह थी और इसका क्या हाल है। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इलाका बिल्कुल अब वीरान हो चुका है। देखें मकड़ी के जाले वगैरह, और किस तरीके से ये एक जगह है जो जहाँ पे इंसान रहा करते थे वहाँ पे जानवर भी गालिबन नाना वो नहीं करते। हर चीज़ टूटी फूटी, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पे अब किसी का आना ही नहीं होता, ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आए हम और आगे चलते हैं और चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। स्टूडेंट, आप ये देख रहे हैं कि हम एक PSO के एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं। ये अपने साइज़ के हिसाब से नज़र आ रहा है कि काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप था, और किसी ज़माने में इसकी बहुत अहमियत होगी, जो आज खंडर की हैसियत से आपको नज़र आ रहा है, जिसमें ना पेट्रोल है और कुछ भी नहीं। ये वो हालात हैं जो इस इंडस्ट्री फेस कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग और तमाम लोग बदतरीन मुश्किल का शिकार हैं। साथियों, अब हम एक पुराने होटल के पास खड़े हुए हैं, जो जिसकी बिल्डिंग को देख कर, जो बनावट का स्टाइल है उसको देख कर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किसी वक्त में एक बहुत ही अच्छा चलने वाला होटल था। अपनी बनावट के हिसाब से ये बता रहा है कि काफ़ी एक कामयाब बिजनेस प्लेस थी, मगर आज ये एक वीराना हुआ है। और यकीन जाने इस किस्म के वीराने को देखते हुए वहशत सी होने लगी, ये क्या हुआ जो हमारे सारे इस तमाम लोन के यहाँ से चली गई। ये देखिए कितना माशाल्लाह बड़ा होटल ये बना हुआ था, मगर इसमें अब कुछ नहीं। यहाँ पे गालिबन किचन था होटल का, ये होटल का किचन, यहाँ से खाने की सप्लाई वगैरह आती होगी। सब बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। मजीद जाए भी पीछे है लोगों को मजीद खाना खाने के लिए, मगर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है।